बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की। भारत माता की। भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की। सत्य सनातन धर्म की। गौ माता की। गौ माता की। सरयू माता की। सरयू माता की। नमः पार्वती पतये हर हर। अवध तहां जहां राम निवासो तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशो। जो पेश राम बन जाही अवध तुम्हार काज कुछ नाही। दीपोत्सव के इस अष्टम संस्करण कार्यक्रम में आज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में। आज जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सचित सन शर्मा जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक गण, आज के समारोह में अपनी कृपा पूर्वक उपस्थिति के कारण इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मणिराम दास सावनी के श्री महंत जी के कृपा पात्र महंत कमल नयन दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी, श्री महंत राजकुमार दास जी, श्री महंत राम शरण दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, श्री महंत भरत दास जी, श्री महंत धर्मदास जी, जगतगुरु श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर, महंत संतोष दास जी, महंत रामदास जी महाराज,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के हमारे सभी पूज्य संत जन, उपस्थित भक्तगण, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आलाधित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी, 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए।